हेलो, वेलकम इन स्टडी क्लिक। प्लांट किंगडम के ब्रायोफाइट पार्ट टू में आपका स्वागत करते हैं। चलिए, आज हम डिस्कस करने वाले यहाँ पे प्लांट किंगडम का ब्रायोफाइट वाला डिवीज पार्ट, जहां पे हम लोग देखेंगे कि ब्रायोफाइट क्या है। एल्गी को हमने डिस्कस किया हुआ था, तो ब्रायोफाइट में हम ये देखेंगे ब्रायोफाइट कहाँ पाए जाते हैं, साथ ही साथ में इनका क्या कोई इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस भी है हमारी लाइफ में, या ह्यूमन की वेलफेयर में काम कर सकते हैं या नहीं, या ह्यूमन को कैसे ये जो है इकोनॉमी जनरेट करके देते हैं। इनके कौन कौन से पार्ट हैं, जनरली दो पार्ट जिनको हम लोग लिवरवर्ट और मॉस के नाम से जानते हैं, तो उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। चलिए शुरू करते हैं ब्रायोफाइट के कुछ जनरल टर्म या इंट्रोडक्शन से। ब्रायोफाइट क्या है? ब्रायोफाइट को जनरली हम लोग बोलते हैं एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। सबसे पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है इन द पर्सपेक्टिव ऑफ नीट, एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम है, इसका मतलब ये दोनों जगह पे पाए जाएंगे। कहां पे? H2O में, पानी में और सॉइल पे। तो टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों लाइफ इनकी जीने का आदत हो चुका है। हैबिटेट जो होगा जनरली यह डैम्प, ह्यूमिड एंड सैडी प्लेसेस पे पाए जा सकते हैं। इनकी जो बॉडी होती है जनरली मोर डिफरेंशिएट हो चुकी है एल्गी से। एल्गी को हमने कहा था थैलस बॉडी है। थैलस का मतलब क्या होता है? जिनकी प्लांट बॉडी डिविजिबल नहीं होती है, किसमें? रूट में, शूट में और लीफ में, उनको हम लोग थैलस कहते हैं। और ऐसी प्लांट बॉडी को हम लोग थैलॉइड बॉडी कहते हैं। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा एडवांस हो गया है, डिफरेंशिएट हो गया है। जरा पर्पज समझिएगा। पर्पज यहाँ पे ये यह है कि हर एक आने वाला डिवीजन, हर एक आने वाला प्लांट किंगडम जो है वो अपने आप को बेटर बना रहा है। हर एक डिवीजन अपने आप को क्या कर रहा है? बेटर बना रहा है, और भी बेटर बनेगा, लेकिन अभी के लिए जो है यहाँ तक ये पहुंचा हुआ है। थैलस में क्या हुआ? थैलस लाइक ये तो थैलस या तो प्रोस्टेट फॉर्म में होगा या तो इरेक्टिव फॉर्म में होगा। इरेक्ट का मतलब थोड़ा सा जमीन को छोड़ के ऊपर की तरफ जाएगा एंड अटैच टू द सबस्टेटम। अगर कहीं सबस्टेटम पे चिपका हुआ मिलेगा तो बाई यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजॉइड। राइजॉइड आर रूट लाइक स्ट्रक्चर। रूट लाइक बोल रहे हैं इनको, रूट नहीं बोल रहे हैं, जो कि यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और साथ में मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। इसके अलावा लैक ट्रू रूट, इनमें ट्रू रूट स्टेम और लीव्स का अभाव होगा, नहीं पाया जाता है, बट दे पजेस रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर। तो ये जनरली रूट, स्टेम और लीफ ट्रू वाले नहीं पाए जाएंगे, लेकिन रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर का पाया जाना कैरेक्टरिस्टिक फीचर बनेगा किसका? ब्रायोफाइट का। अगला पॉइंट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होती है। जो इनकी मेन प्लांट बॉडी है वो हैप्लॉइड होगी। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड केस हम लोग समझ चुके हैं कि जहां पे सिंगल क्रोमोसोम का सेट पाया जाएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हैप्लॉइड। और जहां पे डबल सेट पाया जाएगा उसको क्या बोलते हैं? डिप्लॉइड। तो यहां पे जो इसकी मेन प्लांट बॉडी वो कैसी है? हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड का मतलब एन नंबर में पाया जाएगा। अगर हैप्लॉइड है, गैमेटोफाइट है, मतलब गैमेट लाइक स्ट्रक्चर बना सकता है, तो इसका मतलब क्या करेगा? ये प्रोड्यूस करेगा गैमेटोफाइट। तो जो हैप्लॉइड सेट वाले प्लांट बॉडी से प्रोड्यूस होगा गैमीट, और इसकी जो प्लांट बॉडी बनेगी उसको हम लोग बोलेंगे गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट के अलावा जो इनके सेक्स ऑर्गन होंगे वो मल्टीसेलुलर होते हैं, यानी ब्रायोफाइट में जो सेक्स ऑर्गन है मल्टीसेलुलर होते हैं। यहाँ पे एक टर्म मिसिंग है, वो होना चाहिए स्टेराइल एंड जैकेटेड लेयर। तो स्टेराइल या जैकेटेड लेयर में ये पाए जाते हैं, तो ये बात भी इंपॉर्टेंट होगी यहाँ पे। नेक्स्ट, इनका जो मेल सेक्स ऑर्गन बनता है उसको हम लोग बोलते हैं एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम प्रोड्यूस करता है एंथ्रोजोइड, और एंथ्रोजोइड नेचर में है बाइफ्लेजिलेटेड, मतलब दो फ्लेजिला पाए जा रहे हैं। जरा समझिएगा कि अगर एंथ्रीडियम एंथ्रोजोइड प्रोड्यूस कर रहा है जो कि मेल गैमेट है, तो उसको गैमेट को मूव करने के लिए क्या चाहिए? फ्लेजिला, फ्लेजिला या सीलिया का स्ट्रक्चर चाहिए, और वो उसमें पाया जा रहा है बाइफ्लेजिलेट, दो सीलिया पाए जा रहे हैं। अब आप ये बताइए, अगर ये एम्फीबियन नहीं होता, एम्फीबियन का मतलब डुअल लाइफ ना जी रहा होता, तो क्या ये टेरेस्ट्रियल से फ्लेजिला लेके अचार डालता उसका? मूव करके आर्चिगोनियम तक, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक पहुंचा कैसे? तो कहीं ना कहीं इसको रिप्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए, वाटर चाहिए। यानी आप इसको टेरेस्ट्रियल लाइफ में देख सकते हैं, लेकिन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए? मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के लिए इसको वाटर कंपलसरी है, नेसेसरी होगा, ठीक है। देन फीमेल सेक्स ऑर्गन जो इसका है वो क्या है? आर्चिगोनियम है, जो कि फ्लास्क शेप का होता है, देखा गया है ऐसा, और ये प्रोड्यूस करता है सिंगल एग। तो फीमेल सेक्स ऑर्गन जिसका नाम आर्चिगोनियम, फ्लास्क शेप का होगा और ये प्रोड्यूस करेगा सिंगल एग। लेकिन अब एंथ्रोजोइड नीड वाटर टू गेट फ्यूज्ड विथ आर्चिगोनियम। अगर एंथ्रोजोइड मूव करना चाह रहा है, फ्यूज करना चाह रहा है आर्चिगोनियम से, जायगोट बनाना चाह रहा है, तब उसको वाटर चाहिए, और फ्यूज करते ही क्या बनाएगा? जायगोट। जायगोट हमेशा डिप्लॉयड होते हैं, और कुछ समय तक जायगोट मियोसिस नहीं करता, तुरंत तो नहीं करेगा, बाद में भले कर ले, तो जब तक जायगोट डिवाइड नहीं कर रहा है, जायगोट डू नॉट अंडरगो मियोसिस इमीडिएटली, और तब ये बनाता है, प्रोड्यूस करता है मल्टीसेलुलर बॉडी, और उस समय इसकी मल्टीसेलुलर बॉडी को हम लोग बोलते हैं स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट मतलब 2N। ये बहुत लंबा विषय रहा है, कई बार आया है कि बताइए जायगोट कैसा है ब्रायोफाइट में, स्पोरोफाइट जो है कैसा है, डिप्लॉयड है, हैप्लॉयड है, साथ ही साथ में जो उनकी प्लांट बॉडी होती है जो डोमिनेंट होती है, हैप्लॉयड है तो क्या N है, या गैमेटोफाइट है तो कैसी है। तो N और 2N का केस याद रखिएगा, कि यहां से सवाल लगातार आए हैं नीट में, और इन्होंने कंफ्यूज करने का प्रयास किया है। कैसे किया है हम आगे वाले सवाल में देखेंगे। अगर हम ब्रायोफाइट पढ़ रहे हैं तो हम क्यों पढ़ रहे हैं, ब्रायोफाइट का इंपॉर्टेंस क्या है?
अगर इसकी दो क्लासेस आप देखेंगे तो कौन कौन सी मिलेंगी, एक लीवरवर्ट और दूसरी मॉस। तो लीवरवर्ट और मॉस को हम कंबाइंड यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, इनका इंपॉर्टेंस देख रहे हैं कि ये कहाँ पे किस तरीके से काम कर रहे हैं। चलिए शुरू कर रहे हैं। सम मॉसेस प्रोवाइड फूड फॉर हर्बेसियस मैमल बर्ड एंड अदर एनिमल, यानी हम लोग एनिमल मैमल बर्ड या जो भी ऐसे एनिमल हैं जो हर्बीवोरस हो सकते हैं वो ब्रायोफाइट को खा सकते हैं, कंज्यूम करके न्यूट्रिशन ले सकते हैं। एक एग्जाम्पल है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्फैग्नम। स्फैग्नम को हम लोग जनरली जानते हैं पीट मॉस या बॉग मॉस। पीट का मतलब क्या होता है, पीट का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो थोड़ा सा वाटर वगैरह एब्जॉर्ब कर सके, एब्जॉर्ब कर लेगा तो यानी आप ऐसे समझ लो हाइड्रोक्लोराइड पड़ा था एलगी में ना, हाइड्रोक्लोराइड एलगी में था, यहाँ पे क्या है पीट है जो वाटर होल्डिंग सब्सटेंस के फॉर्म में काम करता है। अब क्या करेगा, अब इसका यूज कहाँ कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमको पसंद है मछली, मछली खाना पसंद है और हम कहाँ मंगा रहे हैं, वाइजैग से मंगा रहे हैं, विशाखापट्टनम से मंगा रहे हैं मछली, हमको वही वाली मछली चाहिए जो कोलकाता में पाई जाती है, आमो देबो वही वाला चाहिए, खाबो मछली, खाबो मछली पीबो, तो ये वाला चाहिए, हम हमको चाहिए मछली। मछली वहां जिंदा कैसे आएगी, कंटेनर में डब्बे में आइस में लेके आएंगे तो मर जाएगी, हमको मरी हुई नहीं चाहिए, हमको जिंदा चाहिए। तो जिंदा में कैसे, एक टैंक लेंगे, टैंक में क्या करेंगे बिछा देंगे इसको, स्फैग्नम को जो कि पीट मॉस या बॉग मॉस के नाम से जाना जाता है, और उसके ऊपर मछली को लिटा देंगे। अब वो मरेगी नहीं क्योंकि उसको सर्वाइवल के लिए क्या है, वाटर ऑक्सीजन मिल रहा है, सर्वाइव कर रही है, लेकिन चले जाएंगे, यानी सिपमेंट में यूज हो रहा है। नॉट ओनली द फिशेज एक्सेट्रा दे कैन ट्रांसपोर्ट एज लिविंग मटेरियल ऑल्सो, तो ये लिविंग मटेरियल को भी क्या करते हैं उसमें ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, और उसी की बात हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो स्फैग्नम जो कि पीट मॉस या बॉग मॉस के नाम से जाना जाता है, ये प्रोवाइड करता है पीट जो कि यूज होता है एज अ फ्यूल, तो ये फ्यूल की तरह भी यूज होता है। और दूसरा है कि इसके पास कुछ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी है जिसकी वजह से हम लोग इसको यूज करेंगे, सो दैट यूज्ड एज पैकिंग मटेरियल फॉर ट्रांसपोर्टिंग या ट्रांसशिपमेंट ऑफ द लिविंग मटेरियल। तो लिविंग मटेरियल का ट्रांसशिपमेंट करने में भी हम लोग इसका यूज करते आए हैं। अगर इसको इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंस की बात करें तो इकोलॉजी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये प्रोवाइड करता है सक्सेशन ऑन द बेयर रॉक्स या सॉइल। इमेजिन करिए जब अर्थ की ओरिजिन हुई होगी तो क्या रहा होगा, कुछ नहीं, बस चट्टाने, पत्थर, पैरेंट बेडरॉक्स, उन बेडरॉक्स को कॉलोनाइज करने का काम किसने किया होगा, शुरुआत बैक्टीरिया से हुई होगी, वायरस से हुआ होगा, उससे पहले वायरस फिर बैक्टीरिया, बैक्टीरिया इवॉल्व हो रहा था, सेम उसी टाइम पे क्या हुआ था, वो बैक्टीरिया जो साइनोबैक्टीरिया आर्किबैक्टीरिया के नाम से जाने गए थे, कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप को डाइवर्सिफाई किया और वो प्लांट लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुए, यानी मेरा मानना है कि वो एल्गी थे, यानी वही साइनोबैक्टीरिया कहां कन्वर्ट हो, ब्लू ग्रीन एल्गी से वो कहां कन्वर्ट हो गए, वो बैक्टीरिया था, नाम ब्लू ग्रीन एल्गी है, अब वैसे ही वाले कुछ डाइवर्सिफाई हुए, उन्होंने क्या बनाया होगा, एल्गी बनाया होगा। अब वो एल्गी और एडवांस हुआ, फंगस के साथ मिला, फंगस के साथ मिलकर उसने क्या बना लिया, लाइकेन। लाइकेन जब तक था तब तक उसने कॉलोनाइज किया, ब्रेक करने का काम किया, लेकिन उतना एडवांस नहीं हो पा रहा था कि पूरी रॉक को तोड़ा जा सके। फिर क्या किया, इवॉल्व हुआ, उसने क्या बनाया, ब्रायोफाइट बनाया। ब्रायोफाइट अब इसके पास जो है एक डेंस मैट बिछा सकता है, मतलब एक सोचिए बड़ी सी मोटी सी चटाई बिछा दे ऊपर, और जो सॉइल इरोजन का वाला प्रोसेस है, ऊपर से रेनफॉल होगी कुछ ऐसा होगा, तो वो क्या करेंगे, बांध के रखेंगे उसको, बहने नहीं देंगे। अच्छा, बहने नहीं देंगे लेकिन तोड़ देंगे, कैसे तोड़ देंगे, चिपके हुए हैं, न्यूट्रिशन निकाल रहे हैं रॉक से, बेयर रॉक से, और उसको लीच आउट कर रहे हैं, लगातार लीचिंग करते करते क्या करेंगे, उसको एकदम कमजोर कर देंगे कि हल्का सा झटका लगेगा और वो टूट जाएंगे। तो टूटने के बाद क्या होगा, सॉइल का फॉर्मेशन हुआ होगा। अब सॉइल का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो रहा है, फेदरिंग हो रही है, तो उसमें क्या होंगे, टेरिडोफाइट या जिम्नोस्पर्म या उसके बाद मॉडर्न प्लांट एंजियोस्पर्म इवॉल्व होंगे। तो ये लंबा प्रोसेस है, कई मिलियन साल तक चला होगा, उसके बाद ये बने होंगे। उसी में इसका छोटा सा रोल आया है ब्रायोफाइट का, कि इन्होंने रोल प्ले किया सक्सेशन में। सक्सेशन का मतलब होता है एक के बाद एक एडवांस ट्रेट्स का आना, और जो आने वाली जनरेशन के लिए बेटर हैबिटेट, सुटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकें कि भैया आपको रहने में कोई दिक्कत तो ना हो, बस वो वाला प्रोवाइड करना, इसको बोलते हैं सक्सेशन। तो ये प्लांट के लिए सक्सेशन का काम कर रहा है। अगला है, मॉसेस और लाइकेन जब मिलते हैं आपस में तो ये डिकम्पोज करते हैं रॉक्स को और मेक करते हैं सब्सटेंट, ऐसा सब्सटेंट बनाते हैं जो सुटेबल हो ग्रोथ के लिए। किसके ग्रोथ के लिए, हायर प्लांट के लिए। तो हायर प्लांट, अपकमिंग प्लांट, आने वाली जनरेशन हमेशा पहले से बेहतर होती है। हमारे दादा कम बेहतर थे, हमारे अब्बा कहते थे पापा आप नहीं समझेंगे, अब हम बड़े हुए तो हम कहते पापा आप नहीं समझेंगे, पापा को लगता है यार बताओ हमारा लड़का हमको समझा रहा है, अब हम नहीं समझेंगे, अब हम क्या कह रहे हैं पापा आप नहीं समझ रहे, कल को हमारा लौंडा आएगा वो भी हमसे यही बोलेगा पापा आप नहीं समझेंगे। और मुझे ये बात समझनी पड़ी, माननी पड़ी कि हाँ, हर आने वाली जनरेशन जो है वो अपने से बेहतर होती जा रही है, और जो पिछली वाली जनरेशन होगी, जो एंसेस्टर्स जो हम लोग बन जाएंगे, तो हमें ये एक्सेप्ट कर लेना होगा कि हम बेहतर नहीं हो पाए, या तो आप इवॉल्व हो जाओ, या तो आप इवॉल्व हो जाओ या तो एक्सटिंक्ट हो जाओ। तो इवॉल्व तो नहीं हो सकते, इतना चेंज तो नहीं आएगा हमारे माइंडसेट में ना, लेकिन प्लांट ने क्या किया, अपने आप को मान लिया कि हाँ हम बेटर नहीं है, हम इवॉल्व नहीं हो पा रहे, हम एक्सटिंक्ट होंगे। जैसे बहुत सारे देखिए ना, एल्गी गायब हो गए, ब्रायोफाइट गायब हो गए, टेरिडोफाइट गायब हो गए, जिम्नोस्पर्म गायब हो गए, बचा क्या, मॉडर्न प्लांट एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म ने कहा था अब्बा आप नहीं समझेंगे, अब्बा नहीं मान रहे थे, अब्बा नहीं समझे, तो वो आया और वो सब चले गए।
नेक्स्ट फंक्शन क्या है इनका, दे फॉर्म डेंस मैट ऑन द सॉइल, ये सॉइल के ऊपर डेंस मैट बनाते हैं, चटाई बना लेंगे और ये क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे सॉइल इरोजन को। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, ब्रायोफाइट के इंपॉर्टेंस के बारे में। और अगला टॉपिक है इसकी पहली क्लास जिसका नाम है लिवरवर्ट। तो लिवरवर्ट से शुरू करते हैं, जनरली ये कहां पाए जाते हैं, दे ग्रो यूजली इन मॉइस्ट, जहां पे नमी होगी, सैंडी हैबिटेट, छाया पाई जाएगी, इसके अलावा सच एज बैंक ऑफ द स्ट्रीम, मतलब जलप्रपातों, झरनों के आसपास किनारे पाए जाते हैं, मार्शी ग्राउंड जहां पे दलदली एरिया होगा या डैम्प सॉइल होगी, थोड़ी सी गीली मिट्टी होगी, वहां पे ये ग्रो करते हैं। इनकी प्लांट बॉडी कैसी होती है, प्लांट बॉडी थैलॉइड होती है, एग्जाम्पल है मार्केंशिया का। नॉट ओनली मार्केंशिया, हमारे पास दो एग्जाम्पल होने चाहिए यहाँ पे, एक का नाम है रिक्सिया और दूसरे का नाम है मार्केंशिया। जस्ट बिकॉज हमारी एनसीईआरटी में इन्होंने जो नाम दिया हुआ है वो मार्केंशिया का दिया है, स्ट्रक्चर भी इन्होंने मार्केंशिया का ही बनाया है, इसलिए हम लोग मार्केंशिया की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए, थैलस कैसा होता है, थैलस का मतलब समझ रहे ना, अभी भी इनकी प्लांट बॉडी डिफ्रेंशिएट नहीं हुई है रूट में, सूट में, लीफ में। तो थैलस इज डार्सी वेंट्रल एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू द सर्फेस, हम लोग इसको बोलते हैं डार्सो वेंट्रली फ्लैटेंड, एनसीईआरटी यूज कर रहा है अप्रेस्ड, अप्रेस्ड का मतलब भी वही है, जैसे अगर ये डॉर्सल साइड वेंट्रल साइड है और ये वाला हिस्सा डॉर्सल साइड है, तो अब आप देखिएगा इधर वेंट्रल इधर डॉर्सल, डॉर्सल वेंट्रल क्या हो, फ्लैट हो जाए, चिपक जाए, इसको बोलते हैं डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड। तो देखिए ना इसकी प्लांट बॉडी कैसी है, डॉर्सो वेंट्रली क्या अप्रेस फॉर्म में है, चिपका हुआ सा है, बहुत ज्यादा हॉलो सिलेंडर का स्ट्रक्चर नहीं है। द लीफी मेंबर हैव टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेस इन टू रोज ऑन स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, तो जिनमें जो लीफी स्ट्रक्चर बनता है, कह रहे हैं जो लीफी स्ट्रक्चर बन रहा है वो कैसा बनेगा, वो ऐसा बनेगा जैसा कि लगेगा आगे चल के ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं डाइकॉटमसली ब्रांच। अगर ऐसे टर्म आते हैं तो इसके लिए टर्म देखिएगा डाइकॉटमसली ब्रांच बोला जाता है इनको। ये जो यहाँ पे बना है ना ऐसे वाई वाला, ये यहाँ पे आया, अब देखिए यहाँ पे डिवाइड हो गया ना, इसको बोलेंगे डाइकॉटमसली ब्रांच स्ट्रक्चर है। अब इसके ऊपर यहाँ पे छोटे छोटे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनको जेमा कप कहते हैं, ये सिर्फ पाए जाते हैं सिर्फ और सिर्फ मार्केंशिया में, रिक्सिया में नहीं मिलेंगे। तो इनका जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड है, फ्रेगमेंटेशन है, बॉडी को तोड़ देंगे कई सारे पार्ट में, नहीं तोड़ पाएगा, क्यों नहीं तोड़ेगा, तोड़ेगा तो तोड़ेगा सिर्फ जेमा तोड़ेगा, जेमा या जेमी कहते हैं इसको सिंगुलर प्लूरल के फॉर्म में। फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलाई और बाय द फॉर्मेशन ऑफ जेमी, जेमी दैट इज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ जेमा, जेमा कप बोलते हैं इसको। जेमा कप क्या है, जेमा कप लाइक स्ट्रक्चर बनता है, छोटा सा ऐसे कप लगा हुआ है प्लांट के, चाय पीता था इसके बाद में, केरल में पाया गया था ना। तो डिटैच फ्रॉम द पैरेंट बॉडी, ये पैरेंट बॉडी से अलग हो जाएगा, अलग होने के बाद जर्मिनेट करेगा टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल, और एक नया इंडिविजुअल बना के रख देगा आपके सामने। इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड होता है वो कैसा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो प्रोड्यूस करेंगे, सेम थैलस पे ही बनेंगे। अगर जैसे ये देखिए ना, ये मतलब ये हम कह रहे हैं कि ये एक तरीके से बाइसेक्सुअल है, सेम थैलस पे ही आपको जो है मेल और सेम थैलस पे आपको फीमेल मिल जाएगा। यहाँ पे उन्होंने अलग अलग थैलस में बना के दिखा दिया है जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस। स्पोरोफाइट जब डिफरेंशिएट होगा तो ये बनाएगा फ्रूट, सीटा और कैप्सूल। अभी ये सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए डायग्राम है, आगे और आपको एडवांस के दिखाएंगे। इसका जो एग्जाम्पल होगा, एग्जाम्पल हम लोग कंसिडर करेंगे लिवरवर्ट में, दैट इज रिक्सिया एंड सेकेंड इज मार्केंशिया। अगला पार्ट है इसका मॉस का, तो चलिए मॉस से शुरू कर रहे हैं। मॉस क्या है, जनरली और प्रीडोमिनेंटली जो इनका स्टेज है वो है लाइफ साइकिल का गैमेटोफाइट, यानी ये हैप्लॉइड फॉर्म में, प्रीडोमिनेंट, प्रीडोमिनेंट मतलब पहले, बाद में एडवांस होकर स्पोरोफाइट बना लेगा, लेकिन उससे पहले क्या है, उससे पहले ये प्रीडोमिनेंटली फेज में है, गैमेटोफिटिक फेज में है। जो गैमेटोफिटिक फेज में अगर है तो प्रोटोनीमा और लीफी स्टेज बनेगा, दो स्टेज बना, ये भी वही है और ये भी वही है, यानी हैप्लॉइड हैप्लॉइड ही तो है दोनों। तो प्रोटोनीमा स्टेज के बारे में कहा था कि ये फर्स्ट स्टेज होता है और ये डेवलप होता है डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर, स्पोर से डायरेक्ट डेवलप होता है। और ये किस तरीके से शो करेगा अपने आप को, क्रीपिंग, रेंगता हुआ था हरा ग्रीन कलर में ब्रांच एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज या स्ट्रक्चर होता है। लीफी स्टेज की बात करिए तो जस्ट गैमेटोफाइट के बाद, यानी फर्स्ट स्टेज प्रोटोनीमा के बाद जो बनेगा वो लीफी स्टेज बनता है, इसको हम लोग सेकेंड स्टेज बोलते हैं। ये डेवलप होता है कहां से, फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनीमा स्टेज एंड एज लेटरल बड, तो लेटरल साइड में बड बनेगी, प्लांट बॉडी है लेटरल साइड में बड है, बड बनेगा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, लीफी स्टेज में। दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट, ये या तो ये ऊपर की तरफ जाएगा या सिलेंडर एक्सिस पे, सिलेंडर का मतलब समझते हैं ना ऐसे वाला, बियरिंग स्पाइरली अरेंज्ड लीफ, इसके चारों तरफ स्पाइरली फॉर्म में अरेंज्ड लीफ मिलेंगी, कैसे मिलेंगे अभी हम आपको दिखाते हैं थोड़ी देर में। दे आर अटैच टू द सॉइल, ये ज्यादातर मिट्टी से चिपके हुए पाए जाते हैं थ्रू द मल्टीसेलुलर एंड ब्रांच राइजॉइड। एडवांस करेक्टर देखना हो, समझना हो तो आप समझिए, इससे पहले वाले में लिवरवर्ट में आया था कि यूनिसेलुलर जो है राइजॉइड है या मल्टीसेलुलर है, उससे पहले चले जाइए आप कहां पे, एल्गी में, एल्गी में क्या था, यूनिसेलुलर राइजॉइड ही थे, जो रूट लाइक स्ट्रक्चर हमने बोला था वहां पे यूनिसेलुलर। अब यहां पे डायरेक्ट कह रहा है कि मल्टीसेलुलर है, लेकिन ब्रांच है, मल्टीसेलुलर में ब्रांचिंग हो रही मतलब रूट बनने वाला है, बधाई हो। कैसे बनेगा,
दिस स्टेज बियर्स सेक्स ऑर्गन, और इसी स्टेज में जो है सेक्स ऑर्गन देखने को मिलेंगे। जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा वेजिटेटिव वाले सेंस में बाय फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा अपनी बॉडी को तोड़ के कई सारे पार्ट में डिवाइड होगा। इन कौन सा वाला, प्रोटोनीमा टूटेगा या लीफी स्टेज टूटेगा? तो मेरा अनुमान है कि बडिंग जो होगा वो सेकेंडरी प्रोटोनीमा से होती है, और फ्रेगमेंटेशन वो दोनों से हो सकता है, प्रोटोनीमा स्टेज से भी होगा और लीफी स्टेज से भी होगा। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगेन सेक्स ऑर्गन पाए जाएंगे जिनमें एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया, एंथ्रीडिया एज अ मेल एंड आर्चिगोनिया एज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और ये दोनों प्रोड्यूस कैसे होते हैं? ये प्रोड्यूस होते हैं प्रोड्यूस एट द एपेक्स ऑफ द लीफी सूट। तो लीफी सूट से जो है ये जाके बन जाएंगे एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया। फर्टिलाइजेशन जब होगा तो जायगोट बनेंगे, और जायगोट डेवलप करेगा तब स्पोरोफाइट बनाएगा, यानी जायगोट डेवलप हुआ तो 2N और फर्टिलाइज हुआ तब भी 2N। अब देखिएगा इसका स्पोरोफाइट फेज और गैमेटोफाइट फेज, यानी जो हम इतनी देर से चिल्ला रहे हैं बता रहे हैं आपको प्रोटोनीमा है, ये लीफी स्टेज है, ये कौन से वाले फेज में? ये एनही वाले फेज में तो है अभी तक। फ्यूज हुआ तो जायगोट बना, तो जायगोट हमेशा 2N होगा ऑलवेज एज वी नो अर्लियर इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट और इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। फिर क्या बचा आपके पास? जब डाइप स्पोरोफाइट जो है ये डिप्लॉयड है तो इनमें जो स्टेजेस बने फूट सीटा और कैप्सूल। कैसे बने फूट और कैसे बने सीटा और कैसे बने कैप्सूल? स्पोरोफाइट जो बनते हैं मॉस में इज मोर इलाबरेट देन लिवरवर्ट। लिवरवर्ट के कंपैरिजन में मॉसेस ज्यादा इलाबरेटेड है, ज्यादा एडवांस है। जिस सिक्वेंस में पढ़ रहे हैं ना उसी सिक्वेंस में समझने का प्रयास करिए, ज्यादा आसान होगा आपके लिए। कैप्सूल जो होगा वो कंटेन करेगा स्पोर, और स्पोर बाद में फॉर्म करेंगे मियोसिस। ये जनरली बनते हैं मियोसिस के बाद स्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है। एग्जांपल के नाम पे आपके सामने है फिनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फैग्नम एज पर एनसीईआरटी एग्जांपल। और भी एग्जांपल हम आपको दे सकते हैं, दे देंगे भी बाद में क्वेश्चन के सीरीज में। चलिए यहाँ पे आपके सामने रखा गया ये मार्केंसिया, ये मार्केंसिया, ये मार्केंसिया। नीट में ऐसे सवाल आते हैं, क्यों आते हैं मुझे नहीं पता। पहले आता था ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ बोर्ड एग्जाम में ऐसे, और अब क्या आ रहा है, अब नीट डायरेक्ट कॉपी कर रहा है। अच्छा, आपको डायग्राम बनाने आ गया है, थोड़ा बहुत नाम लिख के आप काम चला ले रहे हैं, रुकिए हम बदल देते हैं क्वेश्चन। उसने क्या किया, अब डायग्राम दे देगा, सामने अंडरलाइन ऐसे लाइन खींच देगा, क्या बताइए ये वाला पार्ट कौन सा, ये वाला पार्ट कौन सा, आइडेंटिफाई करिए। अब वो बच्चे जो सुपरफिशियली डायग्राम बनाते थे और ध्यान नहीं देते कि कौन से पार्ट को क्या नाम देना है, कौन सा लेबल करना है, वेल लेबलिंग आपको आनी चाहिए। तो करंट सिनेरियो को देखते, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो चाहे नीट का पैटर्न हो, दोनों को कंपेयर करिए, और आप यही पाएंगे कि इसमें डायग्रामेटिक बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। डायग्राम आ रहा है, कह रहा है कि ऐसे खींच देगा लाइन, कहीं बताइए। तो नीट में भी ऐसे सवाल आ चुके हैं, कई बार आ चुके हैं, मिलाइएगा कैसे आया है। अगला सवाल है यहाँ पे, ये रहा आपके सामने मार्केंसिया। पहली बात तो ये दोनों डायग्राम मार्केंसिया के हैं। मार्केंसिया में जब ऐसा स्ट्रक्चर बनता है जिसको बोलते हैं आर्चिगोनियो 4, आर्चिगोनियो 4 है मतलब ये फीमेल है, ध्यान से। और ये जेमा कप है, जेमा कप ये ग्रीन ग्रीन ये वाले ये यहाँ पे और यहाँ पे, तो जेमा कप है। और यहाँ पे नीचे जैसे छोटे छोटे रूट लाइक स्ट्रक्चर लगे हुए हैं सिंगुलर फॉर्म में या मल्टीसेलुलर फॉर्म में, इसको राइजोइड बोलेंगे, जो कि रूट लाइक है, रूट तो नहीं है बोल रहा हूँ। जरा स्ट्रक्चर में डिफ्रेंशिएट करिए, यहाँ वाले में और यहाँ वाले में, दोनों में डिफरेंस आ रहा है, नजर आ रहा है, फर्क आ रहा है। एनसीईआरटी का डायग्राम है तो सेम टू सेम छाप दिया गया है, एनसीईआरटी डायग्राम ही कंसिडर किए जाएंगे वहां पे। और ये है आपका एंथ्रीडियो 4, एंथ्रीडियो 4 बोल रहे हैं मतलब ये मेल है। सिंबोलिक फॉर्म में अगर आप बनाना चाहेंगे तो आप मेल को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फीमेल को इस तरीके से, ठीक है। ये जेमा कप है जो यहाँ पे बने हुए हैं, राइजॉइड्स आप वापस देख सकते हैं, यहाँ पे ढेर सारे ऐसे पाए जाएंगे जो कि सबस्टेटम से अटैच करने के काम में आएगा। इसके अलावा जो यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है ये वाला, ये है आपका फ्यूनेरिया का। फ्यूनेरिया में ये रहा आपका स्पोरोफाइट फेज, यहाँ से यहाँ तक का फेज स्पोरोफाइट है, और यहाँ से यहाँ तक वाला फेज जो है ये गैमेटोफाइट है। गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट में हमने कहा था कि फूट सीटा कैप्सूल, तो फूट मिलेगा यहाँ पे, ये नीचे वाला हिस्सा फूट होगा, फिर सीटा है, उसके बाद क्या कैप्सूल। तो फूट सीटा कैप्सूल में डिवाइडेड है, ये रही इसकी मेन एक्सिस। मेन एक्सिस कहाँ मिलती है आपको? गैमेटोफाइट फेज में मिलती है मेन एक्सिस, और नीचे ये पार्ट लगे होंगे ऐसे ऐसे यहाँ पे ढेर सारे ब्रांच फॉर्म में, इनको हम राइजॉइड बोल रहे हैं, ठीक है। अगला है डी वाला, जो कि हमने कहा था स्पाइरली क्वाइल्ड लीफ का स्ट्रक्चर मिलेगा, चारों तरफ ऐसे क्वाइलिंग के फॉर्म में लीफ मिलती है, किसमें मिलती है? ये एग्जांपल है आपका स्फैग्नम के लिए। तो फ्यूनेरिया और उसके बाद स्फैग्नम, स्फैग्नम में आप देखिएगा यहाँ पे एंथ्रीडियल ब्रांच मिल जाएगी आपको, यहाँ पे ब्रांचेस देखने को मिल जाएंगे, ये आर्चिगोनियल ब्रांच हो जाएगी, तो इस तरीके से ये कंसिडर किया जाएगा। तो लेबलिंग सीख लीजिएगा और क्वेश्चन को प्रिपेयर करिएगा, अगली बार जब हम आपके सामने आएंगे तो टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म को एक साथ कंप्लीट करेंगे, खत्म करेंगे। क्वेश्चन को भी लेकर आएंगे इनके साथ, जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन रहे हैं जो भी रिलेटेड नीट में आ सकते हैं उसको लेकर आपके सामने आएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ हिस्ट्री क्लिक में, तब तक के लिए थैंक यू।